जैसे अभी मैंने इसको ज्वाइंट किया तो ये थोड़ा सा ये मसाला जो है उबड़ खाबड़ है, तो इसकी फिनिशिंग के लिए फिर हम पेपर से लेके इसकी घिसाई करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी होती है। अब ये पूरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहेंगे भी अभी इसको आप इसमें आप सूखा, गीला, गर्म, ठंडा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत शुद्ध होता है, इसको आप पूजा में यूज करो, अपने रसोई घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा इको फ्रेंडली है और हर्बल भी है। इसके साथ जो है जिस तरह से मैंने बाहर में इसको चिकना किया, इसी तरह से ये भीतर भी साफ होता है। इसी तरह से इस पेपर से हम घिसाई करते हैं, ये पेपर है, इस पेपर से हम घिसाई करते हैं। इस पेपर से घिसाई करने के बाद ये भीतर भी उतना ही चिकना हो जाता है। ये बनके तो तैयार है, लेकिन हमने ये पब्लिक डिमांड पे इसको तैयार किया है, लेकिन इसको हम खाने पीने के रूप में यूज़ करेंगे, तो इस पर किसी तरह का हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। कारण है कि अगर हम इस पर केमिकल लगा देंगे तो वो हमारे शरीर में भोजन के साथ जाएगा और स्वास्थ्य पे हमारा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इसमें हम कोई तरह का कलर यूज़ नहीं करते हैं, बिना कलर का इसको हम चमकाएंगे। इसमें डिज़ाइनिंग भी होता है, मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके दिखाना चाहूँगा। देखिए इस पर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैं इस पर लाइनिंग कर रहा हूँ। देखिए सर, ये एक मैंने छोटा सा अभी हल्का सा डिज़ाइन बनाया हूँ। ये जो है आप हेक्सा ब्लेड से मैं बनाया हूँ, उसके बाद हम ये इस फाइल की सहायता से भी इसको थोड़ा सा डीप कर सकते हैं। और इसमें आप जितना डिज़ाइन चाहिए, आपके अंदर जितना इमेजिंग है, जितना चाहिए इसमें फूल बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इसको हमको डेकोरेटिव आइटम बनाना है तो डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए हम इस पर कलर कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम में कलर करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट अगर हम खाने पीने के लिए कोई पात्र बनाते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, तो उसमें कलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जो कलर का जो केमिकल होगा वो हमारे शरीर में भोजन के साथ जाएगा और उससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं खाने पीने के किसी आइटम में कलर की सलाह नहीं देता हूँ।